एक बार फिर से सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद केके सिंह में हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स को थोड़ा सा पढ़ा था एलॉयज के बारे में, क्या एलॉयज कैसे फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। आज उसी ट्रांजिशन मेटल की एक छोटी सी हेडिंग फिर से पढ़ने जा रहे हैं और ये है कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में या अपने सॉल्यूशन में जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होते हैं वो कलर्स कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, उनका कलर कैसा होता है या कब वो कलर शो नहीं करते, ये सीखने जा रहे हैं। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा डबल के वाली, अभी मिलाता हूँ ट्रिक से, उससे पहले एक छोटी सी बात। कहते हैं ये जो कलर्स हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस के, ये किस रीजन से हैं? तो इसका कारण होता है इट इज ड्यू टू डी टू डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे कहते हैं डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिट होता है जिसके कारण कलर्स आ जाते हैं। कहते सर ये कलर्स क्यों आते हैं, थोड़ा समझिएगा। हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे करके, ये 5 आपके पास डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके पास पाए जाते हैं। जैसे ही कंपाउंड बनाते हैं या आयंस में चेंज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाते हैं, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं हायर एनर्जी में, 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं लोअर एनर्जी में, ऐसे करते। जब ऐसा हो जाता है, अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिगराइज थे, तो क्या होता है जब हम एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चला जाता है, ऊपर, पर ऊपर हायर लेवल पे रुकता नहीं, ये वापस आता है। जब ये वापस आता है तो एनर्जी निकालता है, यदि वो एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल होती है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर देखी है, तो इसी को कहते हैं डी टू डी ट्रांजिशन। इन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के कारण ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, इसीलिए कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का डी टू डी ट्रांजिशन आसानी से हो सकता है, पर ये होगा तभी जब डी पूरा कंप्लीटली डी 10 फील्ड नहीं हो। और डी में इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1, तभी तो जाएगा भाई। डी 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ट्रांजिशन कैसे कराएंगे। तो ये आपकी कंडीशन होती है डी टू डी ट्रांजिशन की, इसके कारण आपके कंपाउंड्स या आयंस कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। आइए मिलते हैं कलर्स के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, 2 बार के लिखा मतलब समझते हैं कि ट्रिक ऑफ के सी, जरा देखिए ट्रिक क्या है। एक छोटा सा वर्ड याद करें, इट इज कॉल्ड टू जन स्कैटिव। बताएंगे बेटा क्या लिखा है, टू जन स्कैटिव। चार्ज लगाइए एक एक करके, यानी पहले लगाएंगे +1, फिर लगाएंगे +2, फिर लगाएंगे +3, फिर लगाएंगे +4 और फिर लगाएंगे +5। आपके सामने कितने कैटायंस लिखे हैं, 15, दिख 5 रह रही, 15 है। देखिए कैसे कॉपर के नीचे आ जाइए, कौन होता है बेटा, सिल्वर +1, कौन होता है गोल्ड +1, जिंक के नीचे आइए कौन होता है कैडमियम +2, मरकरी +2, स्कैंडियम के नीचे आइए इट्रियम +3 एंड लेंथेनम +3। आइए लालू, ये एल्यू भी होता है लेकिन इसके नीचे तो नहीं होता, होता सबसे लास्ट में है, लेकिन मैंने ऐसे लिया। ये जितने भी कैटायंस आपके सामने लिखे हैं, यदि आप इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो दिमाग में बिठा लीजिए ये हमेशा होते हैं कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। ऐसे याद करेंगे कुजन स्कैटिक, कितने हैं 5 आपके सामने और इनके नीचे की सीरीज लेंगे तो 15 हो जाएंगे। ये जो कुजन स्कैटिव है बेटा, ये हमेशा होंगे कलरलेस, हमेशा होंगे डायमैग्नेटिक, यानी इनमें डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। रिमेम्बर इतना याद कर लीजिए कि ये कलरलेस है, आपके आधे क्वेश्चन तो इतने से हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कुजन स्कैटिव, कुजन स्कैटिव, इसे आपको बेटा बस याद रखना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये तो मैंने बताया कि किसके कलर नहीं होते, सवाल है कलर जिसके होते हैं वो तो आपने बताया नहीं। आइए कलर्स की बात करें, रंगों की बात करते हैं, खूबसूरत रंगों की बात करते हैं। देखिए रंग मन की खूबसूरती को कैसे बढ़ाते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो ऐसे कहते हैं, देखिए कलर्स याद करने के लिए वो कहते हैं मन को गुलाबी रखें, मन को
मैग्नीज को कुबाल को गुलाबी रखें ऑक्सीडेशन स्टेट दो के साथ। कभी आप भूल जाएं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो याद रखिए मन गुलाबी होता है जब आप पेयर्ड रहते हैं और पेयर्ड का मतलब होता है दो। तो दो के साथ मन को गुलाबी रखें यानी पिंक रखें। यदि आपका मन गुलाबी है मन खुश है तो ऐसी कंडीशन में जो फिजाएं हैं, फिजाएं समझते हैं बेटा, तो कहते हैं कि जो फिजाएं होती हैं, आइए फिजाओं से मिलते हैं। ये रही आपकी फिजाएं Fe+2। कलर थोड़ा लाइट हो गया, मैं व्हाइट दोबारा से दे देता हूं। चलिए ये है आपकी फिजाएं यानी Fe+2। तो फिजाएं फिजाएं भी नई निकल करेले जैसी, करेला सिया प्लस, तो फिजाएं भी नई करेले जैसी। करेला कैसा होता है? हरा भरा, ग्रीन ग्रीन। कैसी भरी रहती है? ग्रीन ग्रीन, हरी भरी बनी रहती है। तो मन को गुलाबी रखें तो फिजाएं भी नई करेले जैसी हरी भरी बनी रहती है। लेकिन यदि आपको फिक्र हो गई, चिंता हो गई, तो कहते हैं फिक्रों में हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब ऐसी की कौन सी लेंगे बेटा? तीन वाली। कह रहे फिक्रों में, रोग का मतलब बेटा क्रोमेट, फिक्रों में डूबे रहे। डूबे का मतलब है डाइक्रोमेट, Cr2O7-। कहते थे फिक्रों में डूबे रहे यानी आप चिंतित रहे तो पीले पड़ जाओगे। कहते हैं ना आदमी बीमार लगने लगता है, पीला दिखने लगता है। तो जब फिक्रों में डूबे रहे तो कैसे पड़ जाओगे? येलो, यानी इनके कलर्स होते हैं येलो। हालांकि FeCl3 येलो होता है, बहुत सारे Fe ब्राउन कलर के भी होते हैं। डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है पर हम इसे येलो मान सकते हैं। क्रोमियम भी थोड़ा ग्रीनिश वायलेट होता है पर हम इसको ग्रीन बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है बेटा? कलर्स ऑफ आयंस। और भी कुछ आयंस होते हैं, जैसे यदि आपके पास कॉपर +2 है तो सभी लोग जानते हैं ब्लू विट्रियल में यूज होता है। किस कलर का होता है? नीले। याद रखिएगा वो पांच कुछ अनस्कैटिक, वो कभी भी कलर्ड नहीं होंगे। और कलर्स चाहिए तो ये रहे आपके पास ट्रांजिशन मेटल कैटायंस के कलर्स। ऐसे देखे जाते हैं कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। देख लीजिए छोटा सा ब्रेक लेके, अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। आज मैं आपको इसी के साथ कराता हूँ थोड़े से क्वेश्चन ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं आपको कराता हूँ 15 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तब तक एक बार आप इन्हें देखते रहिए। चलिए आइए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आयंस के कलर्स देखे थे, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के क्वेश्चंस से मेरे पास थोड़े से। आइए करते हैं क्वेश्चन को। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लगे हुए हैं, चेक कर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, करें ऑक्सीडेशन मेंबर आयरन की बतानी है इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या। ध्यान से देखिए, पहला है FeCO का होल 4। CO पे कोई चार्ज नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा? 0। यदि यहाँ 0 आएगी तो इसका मतलब दूसरा +2 और चौथा +2 ये दोनों आंसर कैसे हो गए? गलत। इसका मतलब ये नहीं होंगे। अब इन दोनों में कोई एक सही है। देखिए +3 दोनों में कॉमन है तो क्यों ना बीच वाले को छोड़ के अगला देख लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आपको निकालनी आती है? चलिए याद करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट। चलिए पहले ब्रैकेट में क्या लिखते थे याद करिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज। क्या आपको याद है कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं? कुछ ऐसे शायद हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, यदि ये ए है ये बी है, मान लीजिए इस पे चार्ज +3 है, इस पे -4 है, तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 ए पे आएगा, +3 बी पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? A4B3। याद है तो ये वाला 4 यहाँ जाएगा, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -4, मतलब यहाँ पे है -4। लिगेंड कौन है? Cl। कितने हैं? 6। तो 1 पर -1 तो 6 पर -6, -6 यानी +6 और -4 बराबर +2। तो +2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आपका आंसर होगा पहला। तो सर बीच वाले में +3 प्रूव करिए, इसको भी देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर। बताइए चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे? -3 पहला ब्रैकेट, माइनस ये रहा ब्रैकेट नंबर 2।
चलिए ऑक्सलेट C2O4 चार्ज होता है एक ऑक्सलेट पर -2, तीन ऑक्सलेट पर -6, माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 3 बराबर प्लस का 3, तो आंसर हो गया 0 प्लस 2 प्लस 3, दैट विल बी योर आंसर। तो 0 प्लस 3 प्लस 2 पहला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। क्या बात समझ में आती है बेटा? आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। फिर से आइए ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू ब्रैकेट नंबर 1 एंड माइनस ब्रैकेट नंबर 2, याद होगा आपको बीबी रूल। चलिए पहले ब्रैकेट में आ जाइए, कौन है भाई, माइनस का 1, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ये चार्ज है माइनस का 1, एथिलीन पे कोई चार्ज नहीं, सीएल पे माइनस 1 होता है, 3 सीएल पे हो गया माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 बराबर आ गया प्लस का 2, तो आपका आंसर हो गया प्लस का 2। देख लीजिए बेटा कोई डाउट हो दोनों क्वेश्चन आपके सामने। आइए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हैं, आइए इन दो क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बेटा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम की बतानी है। फिर से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज माइनस लिगेंड्स का चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे दिख रहा है माइनस 1, लिगेंड है एफ, एक एफ पे माइनस 1, 6 एफ पे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 1 बराबर आ गया प्लस का 5, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो गई है प्लस की 5। यहां पर आ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकालनी है बेटा, तो चलिए फिर से रूल लगाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर ब्रैकेट नंबर 1 माइनस ब्रैकेट नंबर 2। तो पहले ब्रैकेट में देखिए चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, 0, कोई चार्ज नहीं, अमोनिया जी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, NO2 पर माइनस 1 होता है, 3 NO2 पर हो गया माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपका आंसर हो गया है बेटा प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्लियर है? आइए और आगे बढ़ जाते हैं, चार क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये रहा एक क्वेश्चन और, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड अमोनिया इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया और निकल दोनों की बतानी है बेटा। तो अमोनिया की तो जीरो होती है क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, यदि अमोनिया की जीरो है तो आंसर हो गया पहला। तो सर निकल पे प्लस टू कैसे आया, आइए देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा जरा बताइए, पहला ब्रैकेट ये रहा माइनस दूसरा ब्रैकेट ये रहा, बताइए पहले ब्रैकेट में चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का प्लस टू, माइनस लिगेंड कौन है अमोनिया, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो बराबर आ गया प्लस का 2, तो निकल पर जो चार्जेस होंगे बेटा वो कितने चार्जेस होंगे प्लस का 2। क्या बात समझ में आई है? ये थे क्वेश्चंस किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के इन ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चंस थोड़े से हाइब्रिडाइजेशन के भी हैं, उन्हें भी हमें देखना है, लेकिन आज हम केवल ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन देखेंगे, अगले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे किए जाते हैं, और साथ में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट और ये सारी चीजें निकालने का, या कभी कभी ट्रांजिशन मेटल्स में ये पूछा जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने परसेंट है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक सिखाऊंगा आपको। पर आज की बात यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद।